मोहित, लखनऊ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। लखनऊ में काफी बार आ चुका हूँ और आई थिंक ये मेरी पांचवी छठी विजिट होगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के लोगों से मिलके, यहाँ का खाना खाके। यहाँ पर काफी चीजें फेमस हैं, तो क्या कभी आपने शॉपिंग वगैरह की है कुछ? शॉपिंग तो नहीं की, मैंने खाना बहुत खाया है यहाँ का। हजरतगंज का जो खाना है और वो चिकन काली मिर्च है, टुंडे कबाब है, तो वो मैंने बहुत खाया है। आप एक सुपर नेचुरल सीरियल का प्रमोशन करने आए हैं, तो सुपर नेचुरल चीजों में क्या आप बिलीव करते हैं? जी, मैं खुद तो बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल जो चीजें होती हैं मान्यता तो बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो ये देश में कथा चलती आ रही है, लोगों से सुना है, दादी अम्मा से सुना है, बड़े लोगों से सुना है, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती है। अच्छा, फिल्मों में आने का आपका क्या कोई विचार है कुछ? बिल्कुल विचार है फिल्मों में आने का, और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी फिल्मों में आऊँ। अब वो कब कैसे कहाँ होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बिल्कुल विचार है। किस तरह के कैरेक्टर करना आपको अधिक पसंद आता है? देखिए, एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, हर तरह का कैरेक्टर आप करना चाहते हैं, क्योंकि जितने अलग कैरेक्टर्स आप करते हैं उतनी ही आपका जो क्राफ्ट होता है वो बेहतर होता जाता है, उतने आप मंचते जाते हैं। तो ये एक नया कैरेक्टर है, उससे पहले मैंने काफी अलग कैरेक्टर किए हैं, तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। एक सुपर नेचुरल टीवी सीरियल से दोबारा से अपनी पारी शुरू कर रहे मोहित मल्होत्रा ने बताया कि लखनऊ तो उनको पसंद ही है, साथ ही कुछ अपनी फिल्मों में भी आने का वो सोच रहे हैं। ईटीवी से रमांशी मिश्रा, लखनऊ।